केवल परिकल्पनाएं, वास्तव में जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाठक साहब, अगर आपको ये केस सुलझाना है तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। योर ऑनर, मैं ये डॉपल गैंगर्स जो हमारे पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में एक बात बता दूं। इन सब का मकसद सिर्फ इधर उधर नजर आना नहीं होता, बल्कि रियल एंटिटी को टेक ओवर करके उनकी जगह लेना होता है। जैसे नंदिता ने कहा कि उसकी हमशक्ल ने बैंक में सिग्नेचर करके 1,00,000 रुपए निकाल लिए। अब रुपए महज छोटी चीज है, ये तो जान भी ले सकते हैं आपकी जिंदगी पर कब्जा करके। डॉक्टर साना, ये अदालत और कानून इन बातों पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं कर सकते मिस्टर पाठक? योर ऑनर, आप खुद सोचकर देखिए, अगर एक इंसान एक ही समय पर दो विभिन्न जगहों पर पाया जाए सबूत के साथ, तो इसका क्या लॉजिक निकलेगा? हाँ, मिसेस करुणा जी जो कह रही है वो बात थोड़ी हैरतअंगेज जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच कह रही है। क्योंकि यदि सिर्फ नंदिता कपूर का ये कहना होता कि उन्होंने अपने हमशक्ल को देखा है तो शायद हमें झूठ लगता, क्योंकि हो सकता है वो अपना जुर्म छुपा रही। लेकिन फिर आकाश बैल और मिस्टर पाठक के साथ खुद वरुण वाली घटना जो घटी, उसके बाद तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि शायद नहीं, यकीनन नंदिता कपूर के हमशक्ल ने ही दीपक संधू को मारा है। Order, order, silence in the court, please. मेनन साहब, आप ये जो बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है और परिणाम क्या होगा, ये समझ रहे हैं आप? जानता हूं मिस्टर पाठक, इसका सीधा मतलब है कि आपकी जीत और मेरी हार और आपके क्लाइंट की रिहाई। योर ऑनर, केस आकर के बहुत ही विचित्र मोड़ पर खड़ा हो गया है। मैं जानता हूं कि ऐसा होने से मेरी मुक्किल बरी कर दिया जाएगा, किंतु ऐसे निराधार बात पर मैं अपनी मुवक्किल को बरी नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे सत्य को खोजने के लिए कुछ समय दिया जाए। वरुण, ये जिस प्रकार से प्रोसिक्यूटर मेनन ने अदालत में अपनी दलील को पलटा, पटा लगा मुझे, तुझे क्या लगा? क्या डिस्कस कर रहे ले ओ केडी सर? क्या हो गया, आप दोनों अपुन को ऐसे काय को देख रहे ले? श्रवण, तू ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, अपुन मस्त लग रहे ले, एकदम सॉलिड। क्या हुआ? नहीं, जनरली तू केडी सर को बॉस बुलाता है और मैं सर बुलाता हूँ उनको। अरे क्या तरुण भाई, बोले तो वरुण भाई। हाँ, एक दिन अपुन ने आपको मतलब बॉस को सर क्या बोल डाला, तो आपको प्रॉब्लम काय को हो रहा है? भाई का ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। वैसे तूने हाथ पर क्या लिखा, दिखा? नहीं नहीं, दिखा अपना हाथ, दिखा। कुछ तो अपुन ने क्या लिख लिया? नहीं, कुछ तो लिखा हुआ, दिखा दिखा। अरे नहीं, दिखा दिखा, हाँ नहीं, नहीं दिखाएगा। हाथ खोल, हाथ केडी सर, ये देख, अपनी इन्फॉर्मेशन हाथ पर लेकर घूम रहा है। सच में पता है कौन तू? बोल, क्यों लिखा है सब तूने अपना? अरे बस अपने ऐसे टाइम पास में लिखे ला है। टाइम पास मतलब? आप लोग भी धोखा खा गए ना बॉस? अरे बॉस, अपुन सब नहीं है। अरे वरुण भाई, क्या अभी अपुन को नहीं पहचाना? अपुन बस अंदर अपुन को फील हो रहा है। अरे बॉस, अपुन का आईडी कार्ड है और अपुन के पास अपुन लाया था अपुन का पैन कार्ड, समझा ना? क्यों कर रहे तू ये सब? अरे बॉस, वो क्या है ना, अपुन को ना बहुत बहुत ईगो हट हुआ, बहुत जेलिस फील हुआ कि आप लोगों का सब डुप्लीकेट फुप्लीकेट घूम रहे, अपुन कोई डुप्लीकेट इज नहीं, तो अपुन ने कहा अपुन अपना डुप्लीकेट बन के जरा ट्राई करता, इसलिए ऐसा आया। समन, वैसे भी तेरा डुप्लीकेट हो नहीं सकता, इस जग के लिए एक ही काफी है।
ये बात तो नहीं। तबीयत खराब हो रही है। मुझे मुझे बहुत अनइजी फील हो रहा है। क्लोज क्लोज आफिया का टैग ले ले। सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप प्लीज डॉक्टर के पास ले चलिए चलिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। And I swear, मैं कुछ नहीं होगा। And I swear, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे किसने मारा इसे डॉक्टर साहब? और वो पेशेंट कहाँ है? अमित 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 किसने मारा इसे? मैडम आपने मारा इसे। यौनो एक और कत्ल पाठक साहब की मुखिल द्वारा। इस बार तो अपने भाई को ही मार डाला। मैंने अमित को नहीं मारा है। मेरे पास चश्मदीद गवाह है कांस्टेबल मोहन सिंह। कल रात तुम अस्पताल में मिस कपूर के कमरे के बाहर ड्यूटी पर थे राइट? क्या देखा तुमने? जज साहब देर रात होने के कारण मेरी जरा आंख लग गई थी और उसी दौरान इनके भाई अंदर गए थे और अचानक उनकी चीख से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि ये तो वहां छुप गई थी। मिस कपूर अगर आप छिपी नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मैं तो बाथरूम के अंदर थी। मुझे तो पता भी नहीं रोनर की अमित मुझसे मिलने आया था। फिर कांस्टेबल मोहन ने जो देखा वो हो सकता है मेरी हमशक्ल हो। हाँ उसी ने दीपक को मारा था, उसी ने अमित को भी मारा होगा। ओ मिस्टर पाठक प्लीज समझाइए अपनी क्लाइंट, ये फिर से हमशक्ल वाले तीर छोड़ना बंद करें। दीपक और अमित दोनों की कातिल ये। योनर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ और इस अदालत में बैठा हर कोई शख्स जानता है कि मिस कपूर जो कह रही है वो नामुमकिन। योनर मैं तो ये सोचने पर अब मजबूर हो रहा हूँ कि क्या मिस कपूर स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं, यानी स्प्लिट पर्सनालिटी, खुद मर्डर करती है और खुद ही भूल जाती है। अगर मेरी मुवक्किल ऐसा कोई मानसिक रोग होता, अगर ये दोहरे व्यक्तित्व की शिकार होती तो और भी घटनाएं भूल जाती। केवल वो दो घटनाएं क्यों जिसकी बात मैं इंसाफ कर रहे हैं। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? आपकी मुंह वकील की बिना सर पैर की थियरी हम शक्ल वाली अदालत यकीन कर ले? इनकी बिना सर पैर की थियरी उसकी है जो आपने पिछली सुनवाई में जज साहब के समक्ष रखी। योर ऑनर मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई हमशक्ल है। पिछली सुनवाई में मैंने स्वयं कहा था कि मैं हमशक्ल वाली बात को निराधार मानता। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि भला मेरी मुवक्किल क्यों अपने भाई की हत्या करेगी? क्या उद्देश्य हो सकता है इनके पास?
कुछ समय तक तो योर ऑनर मुझे अमित पर संदेह हो रहा था कि संभवतः उसी ने हत्या की हो और अपनी बहन को फंसाया हो ताकि इनकी धन संपत्ति उनकी हो जाए। देखिए मिस्टर पाठक, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हो गया है कि मिस्टर कपूर ने दीपक संधू को मारा और अमित की जान लेते हुए कांस्टेबल मोहन ने खुद अपनी आंखों से देखा। प्लीज मिस कपूर, हम शक्ल वाली बात फिर से मत उछाली। आई डोंट बिलीव इन दिस पकवान। मैं बड़ा ही देखिए आश्चर्यचकित हो गया हूँ। वो तो होना ही था मिस्टर पाठक, आपकी मुंह वकील इतने दिनों से बिना सर पैर की हम शक्ल वाली थियोरी जो दिए जा रही है। नहीं 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 नहीं, आप भूल समझे हैं मुझे। मैं इनकी बातों से नहीं, आपकी दलील से आश्चर्यचकित हो गया। अभी पिछली सुनवाई में आप ही जोर डाल रहे थे हम शक्ल वाली थियोरी पे और अभी सुनवाई में आप कह रहे हैं कि एक सेकंड। देखिए पाठक साहब, यू मीन टू से कि पिछली अदालत में मैंने ये कहा था कि दीपक का खून मिस कपूर की हमशक्ल ने किया है। अभी लड़ रहे हैं केस, अभी ने कहा होगा। देखिए आप सीनियर वकील है, गुस्ता की माफ, लेकिन कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। क्यों मैं मजाक करूंगा, आपने पिछली सुनवाई में कहा था, डॉक्टर अस्थाना को आपने बुलाया था कटघरे में और ये बात अदालत के सामने जज साहब के समक्ष रखा था। मिसेस करुणा जी जो कह रही है वो बात थोड़ी खैर तुम्हें जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच कह रही है। शायद नहीं, यकीनन नंदिता कपूर के हम शक्ल नहीं दीपक संधू को मारा है। मिस्टर पाठक सही है मिस्टर मेनन। हाँ ये बात और है कि आपकी दलील अदालत ने नहीं मानी, पर मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता लॉर्ड। मिस्टर मेनन, मेरे पास आपके डिबेट की रिकॉर्ड कॉपी है, ये लीजिए, आप स्वयं देख सकते हैं। अरे 5 जनवरी, मतलब ये तो परसों की बात है। परसों, अरे हाँ, ये ऑनर परसों तो मैं अदालत में आया नहीं था। Order, silence in the court, please. यकीन कीजिए ऑनर, मैं परसों कोर्ट में नहीं आया था। एक्चुअली परसों मतलब 4 तारीख को मुझे अचानक से पता चला कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं 5 तारीख को केरला में था। हेलो शर्मा जी, सुनिए, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि कल के लिए किसी और लॉयर को अपॉइंट कर लीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। मेरे पास देखिए मोबाइल में कुछ तस्वीरें भी फ्यूनरल की, देखिए। कैसे पॉसिबल है, आप एक ही दिन केरला में अपने ग्रैंडफादर की फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं और यहाँ मुंबई में अदालत में केस भी अटेंड कर रहे हैं, एक ही समय पे दोनों। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शर्मा जी को एक फोन कर सकता हूँ। इजाजत। हेलो, हाँ शर्मा जी, मैं यहाँ अदालत के बीच से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए आपको याद होगा कि 4 तारीख को मैंने आपको फोन किया था कि क्या मैंने आपको फिर से फोन करके ये कहा था कि मैं केरला नहीं जा रहा हूं और मैं अदालत अटेंड करूंगा। योनर और आप यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूं, आप चाहे जिस किसी की कसम खिला ले, मैं सच कह रहा हूं। मैंने शर्मा जी को कभी फोन करके नहीं कहा कि मैं केरला नहीं जा रहा हूं और नहीं मैंने कहा कि मैं केस अटेंड करने वाला हूं। मैं सच कह रहा हूं। फिर ये कैसे हो गया, कौन था वो शख्स जो कल मेरी जगह पे कोर्ट पे आया था? योनर मैं नहीं जानता, कहीं वो शक्ल वाली थियोरी सच तो नहीं हो रही? कहीं क्या मेरा भी हम शक्ल है? मिस्टर पाठक,
आप उसी केस के बारे में सोच रहे हैं ना पाठक साहब? जी, उसी केस के बारे में सोच रहा था। तो आप यहाँ क्या करने आई? मैं फिर से वही पुरानी बात दोहराने आई हूँ। यूं ऑफिस में अकेले बैठे बैठे माथा पच्ची करते हुए कुछ हासिल नहीं होगा पाठक साहब। आप भी ये मान लीजिए कि हम सब के हमशक्ल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोसिक्यूटर मेनन का ताजा एग्जाम्पल आपके सामने है। वो भी इस बात को मान चुके हैं और जज साहब का रिएक्शन पढ़ने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि वो भी इस डॉपलगैंगर थ्योरी के बारे में सीरियसली सोचने लगे हैं। आप ही हैं मिस्टर पाठक, अपनी जीत की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं। आप इतने बड़े लॉयर हैं, इतना बड़ा इमेज है आपका। यदि एक बार आप जज साहब के सामने ये कह देंगे कि ये सच है, तो देखिए कितनी झट से जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। आपकी क्लाइंट भी फ्री और आपकी जीत भी श्योर। और क्या चाहिए आपको मिस्टर पाठक? अब आपने वही पुरानी बात बोली है तो मैं भी उत्तर में वही बोलूंगा। ये जो शकल की बात आपने कही है, ये केवल पुस्तकों में, कहानियों में, चलचित्र में, पर्दे पर वही होती है, वास्तविकता में नहीं। पाठक साहब, जब भगवान के लाखों अवतार हो सकते हैं तो इंसानों के दो अवतार क्यों नहीं हो सकते? और फिर आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है इन सारी घटनाओं का? करुणा जी, कृपया कर मुझे अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने दीजिए। मैं जो कह रही हूँ वो भी असलियत ही है पाठक साहब, और असलियत से पीठ करने से वो झूठ नहीं बन जाती, ये याद रखिएगा पाठक साहब। अरे मेनन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे पाठक साहब, आइए आइए आइए, बैठे बैठे। कहिए क्या खिदमत करें आपकी सर? मेनन साहब, अन्य केस लड़े हैं मैंने, विभिन्न विचित्र केस, कभी न देखा न सुना। ये हमशक्ल, डोपलगैंगर इत्यादि इत्यादि, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। पाठक साहब, मैं भी आप ही की सोच रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन आज अदालत में जो कुछ भी हुआ, मैं खुद सकते में आ गया हूँ। पाठक साहब, मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरा भी कोई हमशक्ल होगा? हाँ, सहमत हूं मैं आपकी बात से, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए ना, ये ऐसी दलील डोपलगैंगर की, ना तो मैं इस दलील को मान सकता हूं, ना इसका कोई और तोड़ मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए एक निर्णय किया है मैंने। कैसा निर्णय? मैंने इस केस को छोड़ने का निर्णय किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इस केस को उसके उचित परिणाम तक नहीं ले जा पाऊंगा मैं। पाठक साहब, मैं क्या कहूं, मतलब बड़ा सरप्राइज्ड हूं आपके इस निर्णय से, पर खैर, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब क्या होगा इसका राज, मतलब कौन होगा इसके पीछे? ये देखिए, अगर कुछ रास्ता नजर आता मुझे तो मैं अवश्य लड़ता। सच तो ये है कि मुझे अब इस केस में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जितना मैं सोच रहा हूँ, घूम घाम के सुई नंदिता पर ही आके रुक रही है। अब मुझे लगने लगा है कि कहीं वो दोहरी व्यक्तित्व का शिकार है, स्किज़ोफ्रेनिक है। आई थिंक यू आर राइट। नंदिता के अतिरिक्त यह हत्या कोई और नहीं कर सकता, वही है हत्यारे। Bye, see you. रुबिया, you're leaving? हाँ, मेरा काम हो गया तो मैं जा रही हूँ। काम हो गया तो? हमारे ऑफिस के टाइमिंग 8 बजे तक है और 8 अब तक बजे नहीं है। 8 नहीं बजे का क्या मतलब? नंदिता मैम तो कभी ऐसा नहीं कहती थी कि काम हो गया और फिर भी 8 बजे तक रुकने की जरूरत है। पर मैं बोल रहा हूँ, I am the new boss. मैम को आने दीजिए। वो 20 साल बाद आएंगे। तब तक इस ऑफिस में 8 बजे तक बैठने की आदत डाल दो, ओके?
डॉक्टर अस्थाना, मैं आपसे भेंट करने आया, इसका ये अर्थ नहीं कि आपकी जो थ्योरी है ये डोपल गैंगर की, इस पर मैं विश्वास करने लगा। मुझे लगा कि मुझे आकर अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप मेरी सहायता करने के लिए दो बार मेरे ऑफिस पधारी। दो बार नहीं पाठक साहब, मैं तो सिर्फ एक ही बार आपके ऑफिस गई थी, पिछले हफ्ते। हाँ नहीं, पिछले हफ्ते एक बार आई थी, अभी है। आज ही शाम को जो आप... जी नहीं, शाम को तो मैं घर पर ही थी। इनफैक्ट मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया था, तो प्लम्बर से मैं रिपेयर करवा रही थी। तो पहले बाद में आई होंगी हम। मिस्टर पाठक, ना उसके पहले ना उसके बाद, मैं घर पर ही हूँ। ऐसा कैसे संभव है? आप घर पर थी तो मेरे दफ्तर में है। वो ओह माय गॉड, मिस्टर पाठक, कहीं मेरी डॉपलगैंगर यानी मेरी हमशक्ल आपके ऑफिस में आई थी? देखिए डॉक्टर अस्थाना, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि मैं आपकी इस डॉपलगैंगर वाली थ्योरी पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता इसे। मुझे लगता है पाठक साहब, मुझे इस केस में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, तो मुझे लगता है मेरी जान को भी खतरा है। नंदिता जी, ये जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि आप जो दीपक की बीमा का रकम जो था वो आप पाना चाहती हैं, और ऐसा करने के लिए आप बीमा कंपनी पर दबाव भी डाल रही हैं। मिस्टर पाठक, आपको ये पता होना चाहिए कि दीपक के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार मैं ही हूँ। वो कैसे? आपका दीपक के साथ विवाह तो हुआ नहीं था, आप उनकी धर्मपत्नी तो है नहीं। योर ऑनर, मैं इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही बता चुकी हूँ, और अदालत को भी यही बताना चाहूंगी कि दीपक और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट किया था। हम एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते थे, शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी हमारे लिए। देखिए, फॉर्मेलिटी हो या ना हो आपके लिए वो अलग बात है, लेकिन कानूनन रूप से जब तक आपका विवाह न हुआ हो, जब तक आप किसी की धर्मपत्नी न हो, उसकी धन संपत्ति और उसके बीमा के रकम पर आपका कोई अधिकार नहीं हो। ऐसा तो नहीं लतिका जी कि यही सब पाने के लिए आपने दीपक की हत्या की हो? प्लीज स्टॉप मिस्टर पाठक, आप नहीं जानते कि मैं दीपक से कितना प्यार करती थी। ये बात भी है कि दीपक के मृत शरीर को सर्वप्रथम आप ही ने देखा, आप ही ने बुलाया था ना पुलिस को। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया मिस्टर पाठक? पुलिस को इन्फॉर्म करना तो अच्छी बात है ना। योर ऑनर, इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर पाठक एक बहुत ही मंचे हुए और काबिल वकील है, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि अब सजा और इनकी क्लाइंट के बीच में बहुत कम फासला रहेगा, बहुत कम समय रहेगा, इसलिए यहाँ वहाँ की बातें करके ये आपके फैसले को डिले करना चाहते हैं। इनफैक्ट मिस्टर पाठक, मैं तो आज आपको इस अदालत में देख के थोड़ा हैरान भी रहेगा। मेनन, ऐसा क्यों? मिस्टर पाठक अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके केस की तारीख है। एग्जैक्टली योर ऑनर, मेनन साहब क्यों मुझे अदालत में नहीं तो क्या चांद पर होना चाहिए? योर ऑनर, कल मिस्टर पाठक ने खुद मेरी ऑफिस में आकर मुझसे ये कहा कि मैंने किसको छोड़ने का निर्णय किया, इसलिए आज भरी अदालत में इन्हें देखकर मैं एक सेकंड के लिए बहुत चक्का हो गया। योर ऑनर, मेनन साहब की बात मिथ्या है, मैं कभी इनके कार्यालय गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इनका कार्यालय है कहाँ। पाठक साहब, आप भी? योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल की फुटेज आपको दिखा दूं। इजाजत। आपने देखा, कल शाम 4:39 पर मिस्टर पाठक मेरी ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। मिस्टर पाठक, इस वीडियो से साफ जाहिर है कि आप प्रोसिक्यूटर के ऑफिस गए थे, फिर आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, अदालत मेरा मंदिर है और कानून मेरा ईश्वर, और मैं अपने ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मेनन साहब के ऑफिस नहीं गया था। पाठक साहब, मेरे पास सबूत है कि कल आप मेरे ऑफिस में आए थे। मेरे पास भी सबूत है कि मैं आपके ऑफिस नहीं गया। योर ऑनर, जिस समय का ये फुटेज है उस समय मैं डॉक्टर करुणा अस्थाना के साथ था।
जज साहब, पाठक साहब सही कह रहे हैं। कल शाम को 5:30 और 6 के बीच ये मेरे ही घर पर था। मिस्टर पाठक आपके पास क्यों आए? शायद केस को लेकर परेशान थे और उसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। पाठक साहब, अब तो यकीन कर लीजिए कि हमारे हमशक्ल होते हैं। जिस दुनिया में हम जीते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया भी चलती है जिसमें हमारे हमशक्ल बसते हैं। अब आप ही देखिए, कल आप जिस वक्त मेरे यहाँ थे उसी वक्त आपका हमशक्ल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में था। देखिए डॉक्टर अस्थाना, ये आपकी थ्योरी है और आपकी थ्योरी मानना मेरे लिए जरा कठिन है। आपको मानना होगा, आपको इस रहस्य को समझना होगा। देखिए पाठक साहब, ये डॉपल गैंगर का इंटेंशन सही नहीं होता। उसका मकसद आपकी इमेज को खराब करना है, दुनिया के सामने आपको झूठा साबित करना है और फिर धीरे धीरे आपका अस्तित्व मिट जाएगा और सबके सामने होगी एक नई पर्सनैलिटी, आपका अक्स, एक और केडी पाठक। पाठक साहब, मुझे तो ताज्जुब है कि आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, सच को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि असलियत से पीठ करने से वो झूठ नहीं बन जाती। सो विल यू प्लीज बिलीव। डॉक्टर साहब, जो हमें जानना था हम जान चुके हैं, प्लीज बैठिए। योर ऑनर, ये केस की गुत्थी कुछ ज्यादा ही उलझ गई है। कोई गहरा रहस्य है जो इस समय हमारी समझ में नहीं आ रहा। हर जगह बारी बारी सबके हमशक्ल दिखाई दे रहे हैं और केवल उन्हीं लोगों के हमशक्ल दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जो इस केस से जुड़े हैं, किसी और का हमशक्ल कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ समय और दिया जाए। और कितना वक्त चाहिए? इस केस की पहली सुनवाई से आज तक आप यही कहते आए हैं कि थोड़ी मोहलत चाहिए, पर जब आप वापस आते हैं ना तो आपके पास कोई दलील होती है और ना ही कोई तर्क। ये केस ही इतना पेचीदा है कि बस समय लग रहा है। अदालत में और भी जरूरी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब एक ही केस पर इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अदालत में ये जो हमशक्ल का डिबेट चल रहा है वो सच्चाई नहीं मान सकते उसे हम। सच्चाई वही है जो CCTV फुटेज में कैद है। हॉस्पिटल में तैनात कांस्टेबल ने जो देखा उसी के मद्देनजर ये अदालत इस केस पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। योर ऑनर, मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि इस केस में परिणाम तक पहुँचने की शीघ्रता न करें। मिस्टर पाठक, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस केस को गंभीरता से सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दीपक संधू और अमित कपूर का कत्ल नंदिता कपूर ने ही किया है। और यह अदालत नंदिता कपूर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। केसेस Mr. Pathak, you have lost the case. Okay. Mr. Pathak, this case is not over. ये मुकदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ जा सकता। मिस्टर पाठक, कहीं केस हारने के गम में आप बीच में विरोधक मत बनो। मैंने हरी अदालत में मैं आपके इस निर्णय को चुनौती देता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ। हरी अदालत में ये कहता हूँ कि आप चीट हैं, फ्रॉड हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे दंड देंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चलिए दीजिए।
बोलिए कि आईपीसी की कौन सी धारा के तहत आप मुझे दंड देंगे। योर ऑनर, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? धारा याद नहीं आ रही या पता ही नहीं? आप तो तब बता पाते ना जब आपने कानून पढ़ा होता, लेकिन पढ़ना तो दूर की बात, आपने कभी कानून के किसी किताब को स्पर्श तक नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप कहीं केडी पाठक के बहरूपिये तो नहीं? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे, ये कोई ढोंगी है। एक मिनट दबे, ढोंगी मैं नहीं, ढोंगी आप। हमशकल मैं नहीं, हमशकल आप। मिस्टर पाठक, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जस्टिस मार्कंडे नहीं है? ये जस्टिस मार्कंडे नहीं है, ये जस्टिस मार्कंडे हो भी नहीं सकते। मैंने जस्टिस मार्कंडे की अदालत में अनगिनत केसेस लड़े और हमेशा ये पाया है कि निर्णय पढ़ने से पहले वो अपनी आंखों पे ऐनक लगाते हैं। आप हूबहू जस्टिस मार्कंडे जैसी ऐनक तो लेकर आए थे, लेकिन निर्णय के पहले संभवतः अपनी आंखों पे ऐनक लगाना भूल गए। वैसे आपकी नाक पर ऐनक का कोई निशान भी नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि आपने कभी अपने जीवन में ऐनक पहना ही नहीं। भगा भगा वो पकड़, देखें जरा। देखिए, मैं कातिल नहीं हूँ। कातिल नहीं है तो कौन है? मैं तो बस अडेप्टिव थिएटर का एक आर्टिस्ट हूँ, एक स्ट्रगलिंग एक्टर। ये देखिए मेरा कार्ड, देखिए। अब ये बताइए, जस्टिस मार्कंडे कहाँ है? मैं उनका पता बताता हूँ साहब आपको। जादू है, जज साहब को लिया, इसे मैं संभालता हूँ। अदालत में देर से पहुंचने के लिए क्षमा चाहता हूं। और रास्ते में लगी कोई बात नहीं है योर ऑनर, सत्य अदालत के समक्ष आ चुका है। हम जानते हैं कि आपको बंदी बना लिया गया था, और जो महानुभाव इस बात में भागीदार थे वो यहाँ सामने खड़े हैं। साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, पैसे के लालच में मैंने ये सब किया साहब। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। किसने आपसे कहा था कि आप जज के वेश में अदालत में आए? सर, मैं आपको नहीं बता सकता सर। ये क्यों 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 नहीं बता सकते उसका नाम? उसने मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है सर। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ न्यायाधीश महोदय के सामने सत्य बोलेंगे तो इस देश का कानून और पुलिस आपके साथ होगा, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आप को पाएंगे, और ये जो अपराध आपने किया है इसका दंड भी कम हो जाएगा। बोलिए क्या है सत्य? वो बहुत जालिम है सर, वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे सर। आप चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। ऑनर, यकीन मानिए, ये कोई पागल सन की बददिमाग इंसान लगता है जो खुद ही सूली पर चढ़ने पे उतावला है। पर सवाल ये है कि ये किसे छुपाने की कोशिश कर रहा है? ऑनर, मेरी बात मानिए तो इसे हम क्राइम ब्रांच के हवाले कर देते, सुबह तक सब कुछ उगलवा लेगी। और ये जो सच झूठ का तांडव इतने दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर से भी पर्दाफाश हो जाए। और मेरी मानिए ऑनर, कल सुबह ये पक्का नंदिता कपूर का ही नाम ले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी मुवक्किल तो पूरे समय पुलिस की गिरफ्त में थी, तो कारागार में थी, तो संभव नहीं कि इन्होंने रचा हो यह षड्यंत्र। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अब जो भी है, कोई आवश्यकता नहीं है, आज यहीं इसी समय इसी अदालत में ये खुलासा हो जाएगा कि कौन है षड्यंत्र के पीछे। आपकी अनुमति हो योर ऑनर, तो जिस व्यक्ति पर मेरा इस समय संदेह जा रहा है उन्हें मैं कटघरे में बुलाऊँ। अरे पाठक साहब, अब और किससे सवाल जवाब करना बाकी है? डॉक्टर करुणा अस्थाना। कहिए पाठक साहब, अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं?
योर ऑनर, नंदू सन्याल के पकड़े जाने से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, जो बात मैं इस केस के प्रारंभ से कहता आया हूँ कि ये डोपल गैंगर्स अर्थात हमशकल, जो करुणा जी कह रही थी कि हमसे जुड़े एक अलग संसार में ये लोग जीते हैं और हमारा जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, हम सबको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ये सब बातें बिल्कुल बकवास है। ये प्रमाणित हो चुका है और ऑनर की अब तक इस केस से जुड़े जितने भी लोगों के हमशकल दिखे हैं वो नंदू सन्याल की तरह प्रोस्थेटिक मेकअप करके व्यक्ति विशेष का रूप लिए। रोना जी, आप तो प्रारंभ से यही कह रही हैं, अदालत में भी आपने ये कहा और जब आप मेरे कार्यालय आए थी तभी भी आपने यही सब कहा कि डोपल गैंगर होते हैं, हमशकल होते हैं। पाठक साहब, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा मैंने आपको और इस अदालत को बताया है। मैं अब भी मेरी बात और मेरे विश्वास पर कायम हूँ। हो सकता है किसी ने इस थियरी का गलत इस्तेमाल किया हो। किंतु इस थियरी का ज्ञान तो आपको भी था, तो हो सकता है कि आप जी आपका मतलब है कि इस सब के पीछे मैं, मुझे संदेह, ये झूठ है पाठक साहब। आप ही ने तो कहा था असलियत से पीट करने से वो झूठ नहीं हो जाता, कहा था। जी हाँ कहे थे, पर इसका अदालत में कहा था आपने। कहा था मेरे कार्यालय जब आप आई थी तो आपने यही बात कहा। मैं जो कह रही हूँ वो भी असलियत ही है पाठक साहब, और असलियत से पीट करने से वो झूठ नहीं बन जाता। कहा था जी आपके कार्यालय वो जी, लेकिन वो वहाँ तो आप आई नहीं थी। वहाँ तो आपके अनुसार आपका डोपल गैंग अर्थात आपका हमशकल है, ऐसे कैसे डॉक्टर करुणा अस्थाना, समझाइए मुझे कि हम में से जिनके भी हमशक्ल डोपल गैंगर इत्यादि आए हैं उन्होंने क्या किया, क्या कहा, इस बात का हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं, किंतु आप वो वाक्य हूबहू वही शब्द याद है, आपके हमशक्ल ने जो कहा था वही बात आपने कही, कैसे? नहीं वो लगता है किसी ने मेकअप द्वारा सबके हमशक्ल बनाकर वो घुमा रहा है, तो हो सकता है शायद उसने मेरा भी हमशक्ल आपके ऑफिस में भेज दिया हो। लेकिन आपको वो बात कैसे है? वो मैं नहीं थी। नहीं, मैं आप नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका डोपल गैंगर आपका वो हमशक्ल थी वो, लेकिन जो बात उन्होंने कही थी वो बात आपको कैसे याद है? अगर आपको याद है मतलब वो बात भी आप ही ने कही थी, यानी कि मेरे कार्यालय में आप ही थी, यहाँ भी आप ही थी, यानी कि हमशक्ल कोई थी ही नहीं, यानी कि आप ही थी, आप ही ने गोली आपने हत्या की है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने, हत्या आपने की है। मैंने जो मेरी बेटी निकिता के साथ किया उसके लिए मैंने उसकी हत्या की। उसने मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा कर उससे शादी की और मेरी सारी जायदाद उसके नाम लिखवा दी, पर दीपक के दिल में उसकी नियत में खोट दी। सब कुछ अपने नाम होने के बाद उसने निकिता को तलाक दे दिया। इस सदमे से निकिता ने अपनी जान दे दी। योर ऑनर, मेरा सब कुछ लुट चुका था, मन हुआ कि मैं भी अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन मैं रुक गई दीपक संधू से बदला लेने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए। मैं यूएसए गई और प्रोस्थेटिक मेकअप की ट्रेनिंग ली, उसके बाद 2-3 फिल्में भी की, फिर मैंने नंदिता को फंसाया। नंदिता
दीपक की जिंदगी में नहीं आती ना तो वो निकिता को कभी तलाक नहीं देता। बस उसी के जैसी दिखने वाली एक मॉडल को मैंने तैयार किया और प्रोस्थेटिक मेकअप करके बिल्कुल मैंने उसे नंदिता की तरह बनाया। और फिर नंदिता के बारे में इकट्ठी की हुई सारी जानकारी के आधार पर उसको मैंने ट्रेनिंग दी। आखिरकार एक दिन मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरी ट्रेन की हुई मॉडल ने नंदिता बनकर दीपक के घर जाकर उसका खून कर दिया। इस दौरान अमित का खून मुझसे हो गया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उससे, लेकिन अमित को मुझ पर शक हो गया था। करुणा जी, करुणा जी आप मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे है ना प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में जानना, आप उसमें एक्सपर्टाइज हो ना? एक्चुअली मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और मुझे डर था कि अमित कहीं सच तक ना पहुंच जाए, इसलिए जब मुझे पता चला कि नंदिता अस्पताल में है तो मैंने एक बार फिर अपनी ट्रेन की हुई मॉडल को वहां भेजकर अमित का कत्ल करवाया। और योर ऑनर, मेरी समझ में यह आ गया था यदि नंदिता दीपक की जिंदगी में नहीं भी आती तो भी दीपक मेरी निकिता को छोड़ देता। और फिर मैंने इस केस से जुड़े लगभग सभी लोगों के हमशक्ल यानी डॉपलगैंगर्स तैयार किए ताकि अदालत को यकीन हो जाए कि इस दुनिया में हमारे हमशक्ल बसते हैं। डिफेंस, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत करुणा अस्थाना को दीपक संधु और अमित कपूर के कत्ल में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है और नंदिता कपूर को बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही साथ यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि करुणा अस्थाना के साथ जिस जिस व्यक्ति ने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। यह अदालत उन पर अलग से केस चलाएगी। केस इज फाइनली क्लोज्ड। पाठक साहब, एक सेकंड। हाँ जी। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक मेकअप का आइडिया आया कहाँ से आपको? हाँ, मेकअप का आइडिया वो क्या है मनन साहब? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना मेकअप के अच्छे नहीं लगते।